निजी काम से निकलना होता है तो सुनसान देखकर अकेली देखकर वो जो है झपट्टा मारकर छीन कर निकल जाते हैं और गलियों में दाएं बाएं घूमकर। देखिए, ये एक अमूमन कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि महिलाओं के पर्स और मोबाइल छीनने की घटनाएं, तो इस पर एडिशनल एसपी सिटी व सीओज दोनों जो यहाँ पर नॉर्थ साउथ लगे हुए हैं वो, प्लस SHO थाना आदर्श नगर व DST की टीम, सब मिलाकर इस बारे में काम किया गया। तो काम में जो है 15/5 को जो एक परिवादिया सुश्री दीक्षिता शर्मा ने जो है उनका कोई मामला हुआ था DAV स्कूल के सामने वाली गली में। मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए और पर्स छीन कर भग गए, जिसको वर्कआउट किया गया। वर्कआउट करने पर इनके जो पुराने हमारे जो डाटाबेस है उसको खंगाला गया और उसके आधार पर CCTV अब कमांड उनके जो फुटेज है उनको देखा गया और उस पर अच्छा मेहनत करके इन्होंने पूरा, क्योंकि बाकी चीज़ें कुछ अंदर की हैं, डिटेल्स उस लायक नहीं है बताने के लिए। तो चार संदिग्ध व्यक्ति जो हैं, राधेश्याम नायक, अनिकेत वैष्णव जो मेन मुख्य इसमें रहे हैं, उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने 5-7 महिलाओं के पर्स बैग छीन कर वारदात करना और उनके पोजेशन से जो है 4 मोबाइल मिलना बरामद किए हैं। और तरीका जो वारदात है उनका वो ये है कि क्योंकि दिन का टाइम होता है और दिन के टाइम में अमूमन गलियां सुनी हो जाती हैं और क्योंकि कोई महिला को अपने निजी काम से निकलना होता है तो सुनसान देखकर अकेली देखकर वो जो है झपट्टा मारकर छीन कर निकल जाते हैं और गलियों में दाएं बाएं घूमकर, और फिर जो मोबाइल है उसका सिम निकाल कर उस मोबाइल को बंद कर देते हैं। इनके जो मुलजिम हैं राधेश्याम नायक उर्फ राधे पुत्र श्री मिठू राम के विरुद्ध पूर्व में भी अजमेर शहर में पर्स वगैरह छीनने के, मोबाइल छीनने के मुकदमे हैं और इन्होंने 4 वारदातें भी स्वीकार की हैं और 5 लूट के जो प्रकरण पूर्व में भी इनके दर्ज हैं। तो दिनांक 9/5 को बालूपुरा खनिज रोड पर बुजुर्ग महिला कंधे पर बैग छीन कर भागे थे। 10/5 को नारीशाला के सामने एक महिला से पर्स छीना। दिनांक 10/5 को ही रामगंज थाना क्षेत्र में पैदल चल रही महिला का पर्स बैग छीन कर भगे और उस 10/5 को, मतलब इनके हौसले बढ़ रहे थे और ये कार्रवाई, स्कूटी सवार महिला का पर्स बैग छीन कर भी भगे। तो इनके जो दोनों मुलजिमान जो हैं राधेश्याम और अनिकेत, इनके एड्रेस यहीं के ही हैं, अजमेर के रहने वाले हैं, एक ब्यावर का रहने वाला है। और चोरों के जो इन्हें बरामद हुए मोबाइल, 4 मोबाइल जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। इस टीम में जो है SHO और DST की टीम ने अच्छी मेहनत की है। एक ही वारदात और हुई है जो